गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं जो अपने डोरमैट्स हैं उनको कैसे क्लीन करती हूं। डोरमैट्स को क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो डस्ट है, वो रेत मिट्टी है, वो भर जाती है, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ही मतलब मुश्किल रहता है। तो मैंने सोचा मैं जब क्लीन कर रही हूँ, दिवाली की सफाई पे मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी, बट मैं उसको शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने सोचा अब भी कर लेती हूँ। तो पहले मैं जो अपने जितने भी डोरमैट्स हैं उनको इस तरह से पानी डाल करके, अगर आपके पास जो जेट स्प्रे है तो आप उससे इस तरह से पानी मारेंगे तो उनके अंदर जो भी मोटा मोटा जो डस्ट होगा, जो रेत मिट्टी होगी, वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने हर टाइप का जो डोरमैट है वो ले लिया है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर इनको डायरेक्ट हम मशीन के अंदर डाल देंगे तो जितना भी रेत मिट्टी है वो सारा मशीन के अंदर चला जाएगा और आपकी मशीन का जो जाम होने का रहता है वो काफ़ी मतलब उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो पहले ज़रूरी हो जाता है कि उसकी जितनी भी रेत मिट्टी है वो इस तरह से हम निकाल लें। जेट स्प्रे नहीं है तो आप जो टैप है उसके नीचे भी ये कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो बाल्टी मग होते हैं उसको लेकर के भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जितनी भी मिट्टी होगी ना वो निकल जाएगी हमारी, तो उसको निकालना हमारा मेन कंसर्न रहता है, चाहे आप बाल्टी में उसको वॉश करें चाहे मशीन में। तो मशीन में वॉश करने से पहले थोड़ी सी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं अपने जो जितने भी डोरमैट्स हैं उनकी जितने भी मिट्टी वगैरह है वो निकाल लेती हूँ, तो इससे जो आपका काम है वो आधा यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आधी बाल्टी पानी लिया है जिसके अंदर मैं नियर अबाउट जो एक कप है विनेगर वो डालूंगी, साथ में मैं डालूंगी आधा कटोरी बेकिंग सोडा। तो ये उसको क्लीन तो करेंगे ही, साथ में जो बैक्टीरिया होंगे उसको भी ये मार देंगे, तो आपका जो डोरमैट है वो साफ भी होगा, साथ में जम फ्री भी हो जाएगा। तो दोनों ही बाल्टी में मैंने सेम प्रोसेस किया है, बट मैं आपको पहले वाला दिखा रही हूँ। तो और एक और यहाँ पे टिप ये है कि जो आपके बाहर के डोरमैट होते हैं, जैसे आपके बालकनी का या जो मेन गेट का होता है, उनको अलग आप धोइएगा, और जो अंदर के जो बाकी डोरमैट्स होते हैं उनको अलग, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर वाले ज़्यादा गंदे रहते हैं और अंदर वाले कम। तो ये मेरे अंदर वाले हैं, मैंने इनको एक उसमें डाल दिया है। ये मेरा परी के लिए मैट यूज़ करती हूँ, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने बस इसकी मिट्टी निकाल ली और इसको एज इट इज़ मैं रख दूँगी। इसको मैं पहले डिप करके नहीं रख रही हूँ। दूसरे वाली जो बाल्टी है उसमें मैंने एडिशनल क्या किया है कि आधा चम्मच उसके अंदर मैंने अपना वो डाल दिया है, जो नॉर्मल सर्फ होता है ना जिससे हम वॉश करते हैं, वो वाला सर्फ मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और बस अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। विनेगर और बेकिंग सोडा मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ, और ये वाले जो मेरे मैट है, बाहर वाले जो मैट है, मैंने वो डाल दिए हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, अब इसके बाद मैं आपको इनको हमें छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, एज इट इज़ हम इनको छोड़ देंगे। तो देखिए जो डर्ट है वो निकल रहा है, तो आधे घंटे बाद देखते हैं कि इनका क्या हाल है। तो ये आधे घंटे बाद का है। और जो ये वाले अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें भी मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस अब बारी बारी करके मैं इसका जो दोनों मैट हैं वो निकाल लूँगी। और देखिए जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए कितना मैला हो चुका है, यानी आधे जो आपके मैट है वो क्लीन हो गए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना मैला है ये। लेकिन ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके जम फ्री भी हो जाएंगे और आधा आपका है वो साफ भी हो जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पर, एज इट इज़ मैं इनको वापस बाल्टी में डाल देती हूँ। सेम वे से जो दूसरी बाल्टी है उसको भी मैं निकाल लेती हूँ, ये मेरे बाहर वाले हैं। तो ये देखिए, और ये मैंने इनको पहले पानी से नहीं धोया था क्योंकि मैंने अभी इसी वीक इनको वॉश किया था, लेकिन दिवाली की सफाई हो रही थी तो मुझे लगा एक बार और वॉश कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ें चमकती हुई रहें, तो इसलिए मैंने इनको पहले पानी से नहीं धोया। अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैंने पहले बोला पानी से करो और फिर आप लोगों सूखा ही उसमें डबवा दिया, तो यही रीज़न है कि मैंने इसी वीक इनको क्लीन किया था, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। देखिए आप पानी का भी देख सकते हैं, वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। बस उसके बाद आपको डाल देना है मशीन के अंदर अपने जितने भी मैट्स हैं उनको एक साथ आप वॉश कर लीजिए। और यहाँ पे मैं जो नॉर्मल सर्फ होता है वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जो मैट वगैरह वॉश करने के लिए मैं पतंजलि या जो सस्ते वाला, जो थोड़ा सस्ते वाला होता है वो डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, महंगे वाले में मैं नहीं वॉश करती हूँ। और मेरी जो मशीन है उसमें एक ऑप्शन होता है 15 मिनट्स का, तो मैं इसको जस्ट 15 मिनट्स के लिए ही मैं इसको वॉश करूँगी, तो मैं इसको ज़्यादा देर के लिए वॉश नहीं कर रही हूँ। 15 मिनट में ही आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 30 और 15 मिनट्स दोनों पे चलती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स पे लगा करके और इसका जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि
आपको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए इसको मशीन को चलाना है, जो आपका सबसे कम वाला लेवल है आप उस पर चला करके इनको वॉश कीजिए। और हाँ, इनको धूप में डालना मत भूलिएगा, धूप में डालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और आई होप कि आपको कुछ टिप्स मिली होंगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय।